फातिहा का खाना अगर ज़मीन पे गिर जाए तो गुनाह मिलता है, तो क्या उसमें गरम मसाला या हड्डी वगैरह होती है गोश्त में तो उसका फेंकना भी गुनाह है या नहीं? फातिहा का खाना या गैर फातिहा का खाना अगर ज़मीन पे गिर जाए तो उसमें गुनाह नहीं होता। ये जो आपके जहन में बात डाली गई है कि गुनाह होता है अगर धोखे से गिर जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बाकी फातिहा में अदब के नाम पर ये चीज़ वहाबियों ने जहनों में डाली है लोगों के कि हम फातिहा इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें गरम मसाला हड्डी वगैरह फेंकी जाती है तो उसकी तोहीन होती है, कुरान पाक पढ़ा हुआ होता है, ये इतने अदब वाले बनते हैं बेअदब कौम, तो इसमें कोई दिक्कत और हर्ज वाली बात नहीं है। खाने की जो चीज़ें खाई जाती हैं वो खा ली जाएंगी फातिहा के बाद, और जो चीज़ें फेंकने की उसको फेंका जाएगा, उसमें कोई शरण हर्ज वाली बात नहीं है। इस तरह तो कुर्बानी की जो जानवर होता है कुर्बानी के उसके अंदर भी हड्डी वगैरह फेंकी ही जाती हैं, हड्डी खाने की तो है नहीं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है अगर धोखे से गिरा, और जानकर रिस्क की बेहुरमती गुनाह है।